स्पेस एंड मेडिटेशन है ना, पोटरी। आई थिंक कुछ भी हाथ से बनाना मुझे पूरा उसी स्पेस में लेके जाता है, पूरा फ्लो, पूरा फोकस। एंड उसमें मतलब मटेरियल के साथ भी कम्युनिकेशन होता है। तो हाँ, आई थिंक पोर्टल हाथ में है, कनेक्शन है हार्ट के साथ। बॉडी ही हमारा मतलब उसको कुछ देर के लिए हम समझते हैं कि ये एक है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम देखते हैं, बजा के देखते हैं कैसे हिला के ढुला के कैसे फ्लो में आता है। आई थिंक बॉडी ही है, क्योंकि मुझे भी वही लगता है, कुछ कुछ मूव करके किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करके इंटरेक्शन ही पता चलता है। डांस के साथ स्पेस और अपना बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है तो उसी में पता चलता है, उसमें चेक भी हो जाती है ना, जो आउटपुट निकलता है उसको देख के ही पता लगता है कितना फ्लो में है, कितना कनेक्टेड है हार्ट फ्लो के साथ। सबका वही है, आर्ट इज कनेक्टेड टू हार्ट, आर्ट इज कनेक्टेड टू हार्ट। हाँ, इसलिए बहुत अगर वो कॉन्टेम्पलेशन डिस्कशन में चला जाता है तब वो एक ही लेवल तक रहता है। सब लैंग्वेज अलग अलग है, सेम वही सेम को इंडिकेट करते हैं, सेम को कनेक्ट करते हैं। हम सब वही सेम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा डिसकनेक्ट होते हैं फिर से कनेक्ट होने की। बस ढूंढना है कौन सा है हमारा तरीका, कौन सा है। ये कभी कभार ये भी होता है कि बहुत सारे तरीके हैं तो उसमें से चूज कर पाते, चूज करना है कि अच्छा इसके साथ एक चीज के साथ बैठना। क्योंकि नहीं तो हाँ चलो डांस भी कर सकते, पोट्री कर सकते, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, गाना, कुकिंग, सिलाई, बहुत सारी चीजें हैं। आपका कौन कौन सा लगता है? मेरा पोट्री है, डांस है, कुकिंग है, कुछ टाइम से थोड़ा सा सिंगिंग कोशिश कर रही हूँ, तो सिंगिंग के साथ पहले, क्योंकि वो बोलने का वो कला का बहुत बड़ा ब्लॉक था, तो इसलिए मैं मुझे सिंगिंग बहुत ही कैसे एक वे में मिस्टीरियस लगता था, जो लोग सिंग कर सकते कि कैसे कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन। हाँ, सब में कर सकते, एक में कर दिया ना फिर अनेक में कर सकते। एक में कैसे कनेक्ट होते हैं फ्लो में, कैसे फ्लो करना है एक में, वो आ जाता है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं उस कुछ भी तरीके से। सिंगिंग में आपका एक में एक्सपर्टाइज हो गया ना, ट्रांसेंड होना है। सब पोटेरी कर रहे हैं लेकिन आप उसमें ट्रांसेंड हो रहे हो, उसमें आप ऊपर लेवल जा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो उसके साथ, उसके साथ हो। मतलब आप काबिल रहते हो वो पोटेरी में। फिर वही सेम, वो सेम चलता है, वो थ्योरी सब सेम ही चलता है। नाचने में भी वही है, म्यूजिक और आप एक हो, फिर म्यूजिक ही फ्लो होता है अंदर। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब कैसे मूवमेंट करना है। योग योग में भी वही है कि सोचेगा कि मैं इसके आसन के बाद इस कौन सा आसन करूं, कौन सा करूं। एक मूवमेंट में आप उधर कनेक्ट हो जाओ, बस भी इसके बाद कौन सा करना है, क्या करना है, क्या करना है, बॉडी मूवमेंट करेगा अपने आप ही। तो बाद में अगर सर्च करके उसका नाम सर्च कर सकते हो कि मैंने ये कौन कौन सा कर दिया। ऐसे ही गाने में भी ऐसे कनेक्ट होते हैं तो वो अपने आप ही वेव वेव चलते हैं, और वेव के हिसाब से आपका भी मॉड्यूलेशन भी, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अपने आप चलता है। कभी कभार ऐसे होता है कि
जो सॉन्ग मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा मुझे ये गाना आता है, उसके ऐसे तीन चार लाइन निकल जाएंगे। कभी कभी गाना भी आ जाते हैं अपने को भी, हम बना भी सकते हैं उस टाइम, लेकिन उसको कैच करना भी है, कैच करने का भी तरीका आना चाहिए। मेरे को सबसे ज्यादा गाना जब कैच करना बाइक चला रही होती हूँ तब निकल आता है। तो मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वैसे स्टार्ट किया, क्योंकि ट्रैफिक में जाते वक्त हेलमेट है वैसे भी, तो बाहर आवाज चल रहा है वैसे भी, तो चलो गाना शुरू करते हैं, किसी को भी सुनाई नहीं देगा, अपना आवाज नहीं करना। गलत जगह पे सही काम हो जाता है कभी कभी, है ना। तो वैसे मेरा थोड़ा थोड़ा गाना सिंगिंग एक्सप्लोरेशन वहाँ से शुरू हुआ। कि हाँ बाहर वैसे भी इतना सारा आवाज, मतलब नॉइस पोल्यूशन चल रहा है, तो हेलमेट के अंदर थोड़ा सा अच्छा एटमोसफेयर करते हैं। तो ऐसे स्टार्ट किया मैंने सिंगिंग, और तो उसी उन्हीं मोमेंट्स में अपना खुद खुद का बनाया हुआ गाना निकल आता है। सही है, ये वही है तरीका, और कुछ नहीं। स्पेस क्रिएट करना है, अपना एक्सप्रेस करना है, सबसे वही अच्छा लगता है ना, वही मोमेंट ही। सेम वो रिलेशन में वही है कि स्पेस क्रिएट करके दोनों का स्पेस क्या है कि तुम जो हो वो नहीं रहोगे, तुम्हारा पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या करना है, ये क्या करना है, उसमें निकल के ट्रांसेंड होके दोनों को मेडिटेटिव स्टेट में आके तब जो हम करते हैं एक्सप्रेस करते हैं प्यार को जिस तरीके से, वो अलग होता है, वो दिव्य होता है पूरा। उसमें वो नहीं रहता है कुछ, वो माइंडलेसनेस वहीं पे हार्टफुलनेस आएगा पूरा, वो चाहिए वो माइंडलेस हार्टफुलनेस। माइंडलेसनेस हार्टफुलनेस, वो भी आर्ट ऑफ लविंग है, वही है आर्ट ऑफ लविंग। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, आई एम नॉट एनीथिंग दैट विल स्टक इन बिटवीन द फ्लो ऑफ लव, दैट विल कम इन बिटवीन द फ्लो ऑफ लव, दैट विल फ्लो इन एनी वे। आई कैन जस्ट बाइट यू, जस्ट बीट यू, जस्ट किस यू, जस्ट कैन हैव कन्वर्सेशन, एनीथिंग, जस्ट हैपेंस इन ए फ्लो।